बेसिकली बातचीत कुछ जगह संगीत शुरू हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि मोहिनी है, मोहिनी अपना एक कोई ऐसा तरीका ढूंढ रही है जिससे कि वो पारो और दिलशेर और रुद्र को घर से निकाल सकें। रुद्र पारो को बचाना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि कोई देख लेगा तो शायद उसके जानों खतरा हो सकता है। पारो आना नहीं चाहती है, दिलशेर रुद्र की खुशी चाहता है वो। और ऐसे में एक और जो हमारा एंगल है वो ये है कि इनकी जो खोई हुई माँ है वो वापस से यादें कहीं ना कहीं से जुड़ती वापस चली आ रही है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पारो का संगीत है लेकिन पारो नाची नहीं। हाँ, पारो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही है ताकि वो ऐसे फंक्शंस में ना जाए। ऑब्वियसली हर फंक्शन उसे अनकंफर्टेबल कर रहा है, तो वो कोशिश कर रही है वो जितना रुद्र से दूर रह सकती है वो रहे, तो यही चल रहा है फिलहाल। तो तबीयत कैसे बिगड़ गई पारो की अचानक? सडनली बिगड़ गई, जैसे बहुत लोगों का बिगड़ता है जब एक्सक्यूज देना पड़ता है, तो वैसे ही बिगड़ गई। यहाँ पे जो तैयारियां चल रही हैं आपके खिलाफ भी बहुत सारी तैयारियां ऐसी चल रही हैं, उस तैयारी के बारे में कुछ बताओ। मेरे खिलाफ? हाँ। अच्छा, अभी सीन में कोई अचानक से आपके कमरे में आया शरबत लेके जो कहीं ना कहीं कुछ राज जानना चाहता है? कोई बंदा है जो हूज आफ्टर मी, आई रियली डोंट नो, बिकॉज हमारे सीन जैसे अलग अलग होते हैं, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट, बट कोई तो है मेरे जान के पीछे और वो ही चल रहा है फिलहाल।